चला मुक्तानंद मार्ग स्थित प्रमुख सहज सोसाइटी के सामने ब्रेकर लगाने के लिए नगर पालिका और जिला पंचायत पीडब्ल्यूडी द्वारा बहानेबाजी का दौर चल रहा है, जिसके कारण लोगों ने धरना पर बैठने की तैयारी शुरू कर दी है। चला मुक्तानंद मार्ग स्थित प्रमुख सहज सोसाइटी के लोग कई महीने से सड़क पर ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सोसाइटी के लोगों ने नगर पालिका में कई ज्ञापन दिए हैं। वहां से उन्हें बताया गया कि इलाका नगर पालिका में है, लेकिन सड़क जिला पंचायत के अंतर्गत आती है। जिसके बाद जिला पंचायत के बांधकाम विभाग में भी सोसाइटियों के लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन वहां से उन्हें कहा गया कि यह काम नगर पालिका का है। दो विभागों द्वारा ब्रेकर बनाने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने से परेशान सोसाइटी वाले लोगों ने गत दिनों कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक सोसाइटी के सामने ब्रेकर नहीं बन पाया। सरकारी महकमे की रवैये से परेशान सोसाइटी के लोगों ने ब्रेकर न बनाने पर आगामी दिनों में सड़क पर धरना देने की तैयारी बताई है। लोगों ने बताया कि करीब 1000 परिवार इस सोसाइटी में रहते हैं। सड़क पर ब्रेकर न होने से सभी वाहन तेजी से निकलते हैं और इस वजह से यहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। 3 दिन पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी थी। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि सोसाइटी में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सड़क पर ले आने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। दुर्घटना न हो और सोसाइटी के पास वाहनों की रफ्तार धीमी हो, इसके लिए यहां ब्रेकर बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकारी विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। लिहाजा धरना पर बैठने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। हम प्रमुख सहज सोसाइटी मुक्तानंद रोड चला वापी के रहवासी हैं। यहाँ 6 महीने पहले से हम लोग ने नगर पालिका में एक छोटा सा एप्लीकेशन दिया था कि हमको लेफ्ट और राइट में दोनों साइड मेन रोड पे स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक वहाँ से उनको कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में हम लोग ने वापस दोबारा जब म्यूनसिपालिटी में गए थे तो वहाँ उन्होंने बोला कि ये रोड हमारे हाथ में नहीं आता है, आप मेहरबानी करके पीडब्ल्यूडी में जाइए। तो हम पीडब्ल्यूडी में जाके वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन दायर किया था, लेकिन उन्होंने बोला 2 दिन में बन जाएगा। 2 दिन में उन्होंने बनाया तो सही, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया। उनके दायरे में जो मेन रोड पे मुक्तानंद रोड उसको छोड़ के जो मेन रोड आता था वहाँ पे प्रमुख चला में बना दो स्पीड ब्रेकर बना दिया। तो हमको दूसरे दिन गए थे तो वहाँ बोला कि आपका स्पीड ब्रेकर बन गया है, ठीक है वहाँ बन गया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला सर ये तो हमारा अलग एरिया है। बोलते ये हमारे एरिया में नहीं आते, आप जिला पंचायत में जाइए। हम वलसाड़ जिला पंचायत में एप्लीकेशन लेके गए थे और एक कलेक्टर ऑफिस साहब कलेक्टर साहब को भी दिया, वही जिला पंचायत में भी दिया। वहाँ पर भी उन्होंने बोलते ठीक है आप एप्लीकेशन कर दीजिए, बाद में हम देखते हैं। फिर वहाँ से हम लोग पार्टी आए, पार्टी में जो इंजीनियर साहब बैठते हैं जिला पंचायत के उनको भी दिया, तो उनसे बात हो गई तो बोलते हैं मैं वलसाड़ में हूँ, मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अगर कलेक्टर ऑफिस से परमिशन आ जाती है तो मैं कर दूंगा। ऐसा करके हम लोग सिर्फ धक्के पे धक्का खा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे हैं, जो इसका कोई सही उच्चारण नहीं निकल रहा है। ये बोलते हैं मेरा नहीं है, वो बोलते हैं तेरा नहीं, ये बोलते हैं मेरा नहीं है। तो अभी हमको कहाँ जाना है? आखिर में आने वाला टाइम में ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग को मिलके रोड जाम करना पड़ेगा और धरने पर बैठना पड़ेगा। प्रशासन प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि स्पीड ब्रेकर बहुत ज़रूरी है। लास्ट 6 महीने में छोटे छोटे बच्चों का 6 बार एक्सीडेंट हो चुका है और 2-3 बार भी और हादसे होते रह रहे हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके हमें इस प्रशासन से विनती है कि स्पीड ब्रेकर बनाने की कृपा करावे, बस धन्यवाद। मैं रंजीत राय प्रमुख सहज का निवासी हूँ। जैसे कि हमारे मित्र सोलंकी साहब ने बोला कि हमारे प्रमुख सहज में करीब करीब 4 टावर तो कंप्लीट है, जिसमें करीब करीब 350 से 400 फ्लैट हैं और करीब करीब 1000 फैमिली रहती है यहाँ पे। 1000 फैमिली सबकी यही इच्छा है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। हम सबसे दुखी होकर के हम ये बात कह रहे हैं, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, हर डिपार्टमेंट में जाके देख लिया, हमने सब कुछ करके देख लिया। उसके बाद हमारे अपने मीडिया भाई लोगों को बुलाया, तब जाकर हम अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं ताकि हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले साहब हैं उनके पास हमारा ये मैसेज पहुंच सके, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना। और हम सभी लोगों से ये विनती करते हैं कि हमको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअली ये किसके अंडर में आता है, हम तो जो जहां बोलता है हम जाते हैं,
लेकिन हम उस साहब से विनती करना चाहते हैं कि जो साहब के अंडर में ये आता है, प्लीज़ वो हमारे न्यूज़ सुने, हमारी बातों को समझे। हम बहुत दुख में आकर के ये बात कह रहे हैं। हमारे मनोज सोलंकी साहब ने बड़े कष्ट में आकर ये बात बोला कि अगर कुछ दिनों के अंदर में ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम दूसरे रास्ते को भी अपनाएंगे, हम रोड जाम करेंगे या हम प्रशासन को अवगत कराने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। कम से कम नहीं तो 400 बच्चे हमारे डेली स्कूल आते हैं, जाते हैं, बसें आती हैं, वैन आती हैं, ऑटो आते हैं। हम डेली खतरों के शिकार में हैं, खतरों के अंडर में पलते बढ़ते हैं। इसलिए हम प्रशासन से विनती करते हैं कि प्रशासन इस चीज़ को गौर करे, नज़र में ले और जल्द से जल्द हमारे स्पीड ब्रेकर का करे, कम्प्लीट करे, ताकि हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा पैदा हो सके। धन्यवाद।